हेलो गाइज वेलकम टू अनदर वीडियो स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स उदय शिवक इंफ्र गाइज इस कंपनी का आईपीओ का अलॉटमेंट के बारे में आज डिस्कस करेंगे मतलब गाइस इसका अलॉटमेंट अब तक नहीं आया और आखिर क्यों नहीं आया है और ये अलॉटमेंट कब की जाएगी इसकी जीएमपी कितनी चल रही है और इसमें लिस्टिंग कितना मिलेगा आज इस वीडियो को हम डिस्कस करेंगे चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं तो क्या ये जो कंपनी है आईपीओ जो थी 20 से 23 मार्च तक ओपन था टेन रुपीज़ का फेस वैल्यू थर्टी फाइव पर शे की प्राइस बैंड थी जो कि मेन लाइन आई पी तो सिक्सटी करोड़ का जो है इशू साइज था देखिए अलॉटमेंट का जो डेट है 28 मार्च का अलॉटमेंट का डेट है जो कि कल के दिन का डेट था और आज देखिएगा आज उनतीस मार्च और मॉर्निंग का साढ़े चार बज रहा और अब तक इसकी अलॉटमेंट नहीं की गई है और यहाँ पे गई अभी बहुत लोगों की फ़ंड्स भी जो है सो अकाउंट से डेबिट नहीं हुआ है मेरे भी फंड्स अभी तक डेबिट नहीं किए गए इसमें मैंने अप्लाई किया था तो मेरे भी फंड्स इसमें जो है सो डेबिट अब तक नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पे देखिए उनतीस को रिफंड रिलीज किया जाए मतलब आज के दिन जो है रिलीज़ करने का डेट है रिफंड रिलीज करने का डेट है।, है और यहाँ पे डेबिट भी नहीं हुआ फंड्स मतलब कि डेबिट नहीं हुआ बल्कि रिलीज भी आज करना है इसका शेयर्स डिमांड अकाउंट में इक्कीस मार्च को किया जाएगा और लिस्टिंग तीन अप्रैल का रखा गया देखिए यहाँ पे आप, आप आ, जो अलॉटमेंट है यहाँ पे अगर देखिएगा तो इसका अलॉटमेंट जो है सो यहाँ पे इसके एम ए एस सर्विस लिमिटेड इस आई पी ओ के रजिस्टर और इसी के वेबसाइट पर जो है इसके अलॉटमेंट की जाएगी और अगर हम देखेंगे यहाँ इसके अलॉटमेंट का तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा आई पी ओ अलाटमेंट स्टेटस इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा इसको तो क्लिक करने के बाद अगर आप आते हैं आई पी ओ अलाटमेंट पर तो यहाँ देखिए सिर्फ आपको उमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का ही आई पी ओ आपको शो कर रहा है इसके ही अलॉटमेंट आपको यहाँ शो कर रही है कोई और अलॉटमेंट आप यहाँ पे देख सकते कोई भी शो नहीं कर रहा है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है देखिए अगर हम इस इससे पहले आपको जानना है कि एम ए एस सर्विस लिमिटेड की आखिर है क्या तो ये इनकॉपरेट होते हैं जो कि, है, कि अराउंड पचास साल पुरानी कंपनी है ये पचास साल रजिस्ट्रार है और इसमें अगर देखिएगा तो बहुत पुरानी रजिस्ट्रार है और ये जैसे बहुत ही ओल्ड मतलब तरीके से जो सो, जो सो कर रही करती है, जिसके कारण इसका अलॉटमेंट बहुत ज्यादा डिले होता है अगर हम इसका एग्जांपल से समझें देखिए अगर उमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड इससे पहले ये आई पी आई थी और इसका भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था और गाइज इस आई पी के अलाटमेंट में भी बहुत ज़्यादा डिले हो गई थी लगभग एक से दो दिन का डिले हो गया था इस आई पी के अलॉटमेंट में भी तो इसलिए गाइज अगर आपको ये अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो क्या इसका ये मतलब नहीं कि अलॉटमेंट नहीं होगी अलॉटमेंट होगी लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा डिले करती है ये जो रजिस्ट्रार है एम ए एस सर्विसेज ये बहुत ज़्यादा डिले करती है अलॉटमेंट करने में तो इसलिए लग आपको पैनिक नहीं करना है आपको अलॉटमेंट होगी कि नहीं ये आपको जल्द पता चल जाएंगे एक से एक आज अगर उनतीस तारीख का गाइज तो आज इवनिंग तक आपको इसके आई के अलॉटमेंट आने के ज़्यादा चांसेस है अब तो गाइज और अगर हम बात कर ले यहाँ पे अलॉटमेंट चेक करना है तो यहाँ पे गाइज दो तरीके हैं आप लोग अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं पहला है डी पी या क्लाइंट आई इन दोनों से आप चेक कर सकते हैं इससे दूसरा है पैन नंबर से इन दोनों में से आप किसी से भी आप एक बार आप इससे चेक कर सकते हैं अपने अलॉटमेंट को तो गाइज़ अब यहाँ पर हम लोग इसके जी की बात करें इसका जो जी है सिक्सटीन रुपीज़ का जी है और अगर रिसेंट हम जी देखेंगे तो इसका जो रिसेंटली जी है जो कि अपडेट किया गया है कल के दिन का टेन रुपीज़ का जीएमपी वो बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला इसकी जीएमपी बहुत ही मतलब कि मेजर फॉल होती हुई नज़र आ रही है और अट्ठाईस पॉइंट पाँच सेवन परसेंट अट्ठाईस परसेंट के आसपास की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देने बाय बाय